कि आज से 150 साल पहले एक कॉमन प्रैक्टिस थी मॉडर्न पैथी की कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता था, खून बह जाता था, या चोट लग जाती थी, या ब्लीडिंग ज्यादा हो जाती थी, या हीमोग्लोबिन कम हो जाता था, एक कॉमन प्रैक्टिस थी, उसको मिल्क ट्रांसफ्यूजन किया जाता था। और मेरे को लगता है आप लोगों ने शायद कभी ये बंद ही कर दो, इसको पीछे ब्लैक ही रहने दो। तो आप लोगों ने शायद कभी अपनी जो ट्रेनिंग के टाइम पे कभी पता भी नहीं चला होगा आपको, कभी सुना भी नहीं होगा आप लोगों ने, है ना। आपको पता है जो ये मॉडर्न पैथी है ये ट्रायल एंड एरर मेथड पे चलती है। ट्रायल करो गलतियां करो, ट्रायल करो गलतियां करो, इसीलिए ये शब्द आया था। हम प्रैक्टिस करते हैं एडवोकेसी में भी और डॉक्टरी में भी, एक शब्द आया ना प्रैक्टिस। एक्चुअल में आप लोग डॉक्टर्स नहीं हो, आप लोग वैद्या कहलाते हो, लेकिन अब जमाना बदल रहा है तो आपने भी डॉक्टर लिखना सबने शुरू कर दिया, तो डॉक्टरी डॉक्टरी चल पड़। डॉक्टर डॉक्टर खेलते थे बचपन में, मोहल्ले की सुंदर सी लड़की पकड़ी, एक सुंदर सा लड़का पकड़ा और डॉक्टर डॉक्टर खेलते थे। मैं तो बड़ा खेला हूं, अब आप लोग पता नहीं क्या करते थे, गुड्डा गुड्डी बड़ा खेल रहे हो आप लोग, है ना। अब सही है ना, इस तरह से बात करो सारा समझ आता है। वीडियो दे ली बनी समझ आया। चलो तो मेरे को कुछ चीज क्लियर करनी है कि जो भी डॉक्टर बीआरसी कर रहे हैं या हम कर रहे हैं, ये कर क्यों रहे हैं। बेसिकली अगर हम लोगों ने ये नहीं किया तो कोई और कर नहीं रहा, कोई और कर नहीं रहा, और ये चीजें सामने आएंगी नहीं। और जहां 50-100 साल और बीते अगर, तो किसी को ये पता ही नहीं चलेगा कि कैसे अंग्रेजों ने, मुगलों ने किस तरह भारत में आके हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति को तो खराब किया क्या, आयुर्वेद का भी कैसे उन्होंने पतन किया। तो अभी मैं उसके ऊपर एक बुक लिख रहा हूं, बड़ी जल्दी मैं उसको मार्केट में लॉन्च कर दूंगा। बुक लिख रहा हूं पूरी मैं इस पे, बट मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, बिकॉज आप लोग रोज प्रैक्टिस करते हो और आप ही लोगों से क्रांति शुरू होने वाली है। मैं वैसे तो थोड़ा थोड़ा तो मैं कई सेशंस में बोलता हूं, बट अब मुझे लग रहा है जैसे वीडियो नहीं देखी तो मुझे लगता है आप लोगों ने किसी ने कुछ सुना भी नहीं है, क्योंकि अगर इसका मतलब जो हम लाइव डालते हैं ग्रुप्स में, वीडियोस डालते हैं, तो मुझे लगता है उनका भी यही हाल होता होगा, वो नॉट ओपन येट करके पड़े रहते होंगे कि भाई अभी तक खुले ही नहीं है। चलो ऐसा है, पूरी सृष्टि में, पूरी दुनिया में सबसे प्राचीन देश कौन सा है, पूरी दुनिया में सबसे प्राचीन ग्रंथ कहाँ पे है, पूरी दुनिया में वेद किसके पास है, सबसे ज्यादा ऋषि मुनि कहाँ हुए हैं, सबसे ज्यादा अवतार कहाँ हुए हैं, पूरी दुनिया में सब कुछ भारत भारत ही नजर आएगा, जो मर्जी कर लो आप। और पूरी दुनिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां सारे मौसम पाए जाते हैं। और भारत के बारे में क्या कहा जाता है कि भारत में जो चीजें उगती हैं, जो मसाले उगते हैं, जो जड़ी बूटियां उगती हैं, वैसी क्वालिटी की पूरी दुनिया में कहीं नहीं उगती, क्यों, बिकॉज यहां पे मौसम है हर तरह के। मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूं। एक किसान था, बहुत भगवान की पूजा करता था, भगवान को बहुत मानता था, एक छोटी सी कहानी है, बहुत भगवान को मानता था। और एक बार भगवान से उसने बड़ी प्रार्थना करी तो भगवान प्रकट हुए, तो उसने बोला भगवान मैं आपसे बड़ा नाराज हूं। तो भगवान ने पूछा क्यों नाराज है, कहता हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना हम जोर लगाते हैं फसलें उगाने में, खेती करने में, कभी अंधेरी ले आते हो, कभी बारिश ले आते हो, कभी तूफान ले आते हो, हमारी फसलों की कई बार ऐसी तैसी हो जाती है, तो मैं तो नाराज हूं। तो भगवान कहता तू क्या चाहता है, कहता इस बार ना एक साल के लिए सारे मौसम मेरे कंट्रोल में दे दो। या एक, भगवान ने कहा नहीं ये गलत हो जाएगा, सृष्टि के लिए ये ठीक नहीं है, क्योंकि जो मैं करता हूं मेरे हिसाब से करता हूं। कहता नहीं, मुझे अब आपने बोला है कोई वर मांगो तो मैं तो यही वर मांगूंगा। तो भगवान बोलते मैं तेरे को साल सूल का टाइम नहीं देता, एक एक फसल का टाइम दे देता हूं, एक सीजन का, एक फसल पूरी तेरे अकॉर्डिंग तू प्लान कर ले, लेकिन उसके बाद फिर मेरी चलेगी। कहता ठीक है। तो कहता कि क्या मेरे कंट्रोल में होगा, कहता एक फसल तक तू तेरी मर्जी चला। तो किसान के खूब खेत होते हैं और अच्छा पैसे वाला किसान होता है, वो कई जगह अपनी खेती अलग अलग जो भी उस मौसम की है प्लान करता है, और प्लान करके ना फिर पूरी प्लानिंग करता है कि कब मैं तूफान लाऊं, कब अंधेरी आए। वो क्या करता है पूरे उस सीजन में ना, अंधेरी नहीं प्लान करता, तूफान नहीं प्लान करता, बस बारिश प्लान करता है, क्योंकि उसको अच्छी फसल चाहिए होती है। 5 महीने का टाइम होता है एक फसल को पकने का, पूरा 5 महीने का टाइम बीतता है, फसलें बड़ी सुंदर, बड़ी ज्यादा बढ़िया उसकी खेती उस बार होती है। तो
तो देखता है खेत में आता है, बड़ी सुंदर फसलें लहरा रही है, बड़े बड़े पौधे उगे पड़े हैं और भगवान प्रकट होते हैं। हाँ भाई तेरा टाइम पूरा हो गया। हाँ जी तेरा मेरा टाइम पूरा हो गया और देखो फसल कितनी सुंदर है। भगवान ने कहा तू यही तो चाहता था? कहता हाँ। बाई चांस वो खेत में जाके ना एक ऊपर से बाली तोड़ता है, जैसे गेहूं की बाली होती है तोड़ता है, उसमें ना बीज नहीं होता, उसमें बीज नहीं होता। वो एकदम हैरान हो जाता है, फिर दो चार और तोड़ता है कि बीज किसी में भी नहीं है। तो भगवान को बोलता है इतनी बढ़िया फसल मैंने, मेरे हिसाब से बारिश लाई, मेरे हिसाब से पानी दिया, मेरे हिसाब से धूप दी, इसमें बीज क्यों नहीं आया? भगवान कहते हैं तूने इसको ना तो अंधेरी दी ना तूफान दिया, तो इसमें वो गुण आया ही नहीं, लड़ने वाला, डेवलपमेंट वाला। जो गुण एक्चुअल में सृष्टि जब करती है तो वो गुण डेवलप होता है। तो ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई कि पूरी दुनिया में अब तक टोटल 13 रिसर्चेज हैं, गूगल पे चेक कर लो, पूरी दुनिया में ब्रेन्स चेक किए गए, ब्रेन्स कि पूरी दुनिया में सबसे अच्छे ब्रेन कहाँ के हैं। तो आप हैरान हो जाओगे 13 में से 11 स्टडीज में 82% ब्रेन भारतीयों के आए हैं। 13 में से 11 स्टडीज में 82% ब्रेन भारतीयों के आए हैं। और ये पहली रिसर्च जो हुई थी ना ये 1628 में शुरू हुई थी, गूगल पे सब मिल जाएगा आप चेक कर लेना, 1628 में शुरू हुई थी पहली बार। ऐसा पूरी दुनिया में ढूंढा जाने लगा था कि पूरी दुनिया में शक्ति कहाँ है, ज्ञान कहाँ है, तो पूरे विश्व का ध्यान ना भारत पे जाता था। एक बात बताओ पूरी दुनिया में आपने कभी सुना है कहीं आक्रमण हुए हो? सारे आक्रमण भारत पे हुए हैं। 900वीं सदी में महमूद गजनवी आया, कहाँ आया? कभी सुना अफगानिस्तान पे कोई आक्रमण हुआ हो? कभी मिस्र में हुआ हो, यमन में हुआ हो? सारे आक्रमण कहाँ हुए हैं? महमूद गजनबी का, सिकंदर का, और भी इसके अलावा मोहम्मद बिन कासिम, कुतुबुद्दीन ऐबक, सब कहाँ आए हैं? क्योंकि भारत क्यों आते थे? भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। क्यों? क्योंकि भारत में सोना बहुत था, पैसा बहुत था, दिमाग बहुत था, भारतीयों के पास पावर बहुत थी। और ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो बातें बताऊंगा, अगर इन बातों को थोड़ा सा भी समझ जाओगे तो आप भी अपनी लाइफ में ना, वो जो भारतीयों की रिसर्च आई है ना, 82% ब्रेन भारतीयों के ही मिले हैं, तो आप लोग वैसे ही बन जाएंगे। क्योंकि पहले कंसेप्ट समझ आना चाहिए कि हमें खराब कैसे किया जा रहा है और हम डेवलप वापस कैसे होंगे। तो ऐसे करते करते लगभग 500 साल 600 साल तक मुगल आते रहे। अंग्रेजों का राज रहा 250 साल, जो ये आप ब्रिटिश ब्रिटेन की बात करते ना, जो आप लंदन जिसका हेड ऑफिस है, तो ये ब्रिटिश कितने साल रहे हमारे भारत में? 250 साल। इससे पहले 80 साल पुर्तगाली रहे, उससे पहले 70 साल डच रहे, उससे पहले 80 साल हॉलैंड वाले आए थे। तो ये तीन के बाद आए थे ब्रिटिशर्स। ये करने के आए थे भारत से, सबसे पहले ये लोग मसाले लेने आए थे, मसालों का निर्यात करने। ये शुरू में इनको नहीं पता था कि भारत गुलाम बन जाएगा, इनकी इनकी सोच में भी नहीं था। आप ये स्क्रिप्चर सब गूगल पे आपको सब मिल जाएगा, रिसर्च पेपर पढ़े हैं सब मिल जाएगा। इनको पता नहीं था कि भारत गुलाम बन सकता है। ये भारत में तो पहले बिजनेस करने आए थे। सबसे पहले कौन आया था? वास्को डी गामा आया था कि कोलंबस आया था जिसके बारे में बोलते हैं? हाँ, और कोलंबस कहाँ आया था? तुम सब कंफ्यूज हो। हमने सुना है कि नहीं सुना कि एक ने अमेरिका की खोज की थी, एक ने भारत की थी। अच्छा, खोज कैसे कर सकता है जब पहले से था ये? तो हमें इतिहास भी गलत सलत पढ़ाया है। तो ये जो कोलंबस, वास्को डी गामा जो दो नाम है ना, अगर आप हिस्ट्री चेक करोगे, दे बोथ आर लूटर्स, मतलब लुटेरे थे उस टाइम के। ये कोई वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड नहीं थे, ये लुटेरे थे। और इवन की अभी आज से 3 महीने पहले न्यूज़18 पे एक पूरा शो आया था कि भारत से आज से 250 साल पहले जब अंग्रेजों का राज था तो कितना पैसा लूटा गया। जितनी भारत की जीडीपी है उसका 11 गुना आज की डेट में, आज जितनी हम 1 साल की जीडीपी हमारी उसका 11 गुना। और जब अंग्रेज भारत में आए थे पहली बार, तब भारत की जीडीपी पूरी वर्ल्ड की 33% थी, पूरे वर्ल्ड की 33 थी, और ब्रिटेन की 0.9% थी। और जब अंग्रेज भारत को छोड़ के गए 1947 में, हमारी 1.5 थी, उनकी 24 थी। मतलब हमें लूट लिया और अपने आप को बसा लिया। किया कैसे उन लोगों ने सब कुछ? ये
तो जब वो भारत में आए, पहले बिजनेस करने आए, जब उन्होंने देखा भारत में कोई भीख नहीं मांगता, ये सब स्क्रिप्चर्स में है, भारत में कोई भीख नहीं मांगता था, सब लोग खुशहाल थे, बड़ा सही सिस्टम था, धीरे धीरे ये अपने आप को इन्होंने घुसाना शुरू किया। तीन चीजें हैं आज की डेट में जो अंग्रेजों की दी हुई हमें, मुख्य तीन चीजें हैं। नंबर एक एजुकेशन स्कूलिंग, नंबर दो जुडिशरी जो आप कोर्ट कचहरी जाते हो, नंबर तीन हेल्थ केयर। ये तीन चीजें जो अंग्रेज देके गए भारत को, बेसिकली उन्होंने अपने लिए डेवलप की थी। आपको पता है आपके आयुर्वेद के हिसाब से, ग्रंथों के हिसाब से, एक इंसान का सबसे ज्यादा पढ़ने का, ब्रेन के डेवलपमेंट होने का, ब्रेन को जाग सबसे सही समय ज्ञान लेने का, अपने आप को इंप्रूव करने का सही समय क्या है? हाँ, अरे भाई कौन सी उम्र, उम्र कौन सी है उम्र? हाँ, 4 साल से लेके 21 साल तक। हमारे पूर्व तो गुरुकुल में तो गृहस्थ वो था ना, क्या था उस टाइम पे याद है? 25-25 साल का सिस्टम था, वानप्रस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, याद है? अब थोड़ा थोड़ा याद आता है, थोड़ा थोड़ा हिंट देता हूं अभी, ताकि थोड़ा आप भी घिसो, सारा कुछ मैं बता दूंगा तो ये घिसोगे कैसे इसको। तो जो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट का टाइम था, क्योंकि पूरी दुनिया में ब्रेन कौन सा कामयाब था, कैसे पता चला अंग्रेजों को? क्योंकि उस टाइम पे ये पेपर्स में आने लग गया था कि भारतीय पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा समझदार हैं और ये कुछ भी कर सकते हैं। आज भी नासा में 34% भारतीय हैं, और जितनी भी वर्ल्ड की बड़ी कंपनियां हैं, चेक करो गूगल पे, वर्ल्ड की 80 बड़ी कंपनियों में टोटल 250 कंपनियां हैं पूरे वर्ल्ड में जो $2 बिलियन से ऊपर की हैं, और उनमें 80 कंपनियों में भारतीय सीईओ हैं। इवन की 19 कंपनियों के तो मालिक भारतीय हैं। तो दिमाग है ना, तो इन्होंने क्या करा कि देखा भारतीयों का दिमाग बहुत तगड़ा है, इन्होंने हमारे गुरुकुलों को खत्म करके एक ऐसी शिक्षा पत्ती लेके आए जो जिंदगी में आपका बेड़ा गर्क कर दे, आपको कहीं का छोड़े ना, आपका जो सीखने का टाइम था उसको बर्बाद कर दे। आज भारत में क्या होता है, आप 4 साल के बच्चे का एडमिशन कराते हो प्री नर्सरी में, और उसके बाद ग्रेजुएशन तक उसको स्कूलिंग सिस्टम में डालते हो। वही टाइम था इसके डेवलपमेंट का, और वो 17 साल आपके बर्बाद कर दिए एक ऐसी चीजों को पढ़ने में जो ना कभी काम आएंगी। आपको बताओ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए माइनस बी बराबर ए सी डी कुछ, साइन थीटा कॉस थीटा, शाहजहां का बाप ये, फलाने का बाप ये, उसका बाप ये, तुमने टिंडे लेने हैं? कोई काम आएंगे तुम्हें कभी? वो तुम्हें पढ़ाया ज्वालामुखी पठार ऐसा होता है, तुम्हारा ज्वालामुखी फलाना ऐसा होता है, ये कब फटता है, तुम्हें कभी काम नहीं आएगा लाइफ में। तुम्हें पढ़ा रहे हैं अमेरिका की राजधानी फलानी, फ्रांस की फलानी ढिमकानी, तुमने क्या लेना है? तुम्हें कोई एक काम की चीज सिखाई जाती है उन 17 सालों में? क्योंकि वही डेवलपमेंट का टाइम था, तो जानबूझ के नहीं सिखाई जाती। सोचो उसके बाद तुम लोग सालों डॉक्टर बन के आ गए हो, कितने लक्की हो, लोग तो फोसड़ है, किसी काम के नहीं है। तुम सोचो अपने आप को कितना लक्की हो तुम लोग जो डिग्री डग्री ले ली, अब भले गलती से ले ली मुझे नहीं पता, करने MBBS गए थे, BMS गई, या BDS मिल रही थी लेनी नहीं थी BMS ले ली, अब बनी गए हो गलती से, तो कुछ सीख के कुछ कर लो क्रांति। मेरा सिर्फ मकसद यह है ये सब बताने का कि अब पता ही लग गया कि हमारा जो एक्चुअल टाइम था जिस टाइम ब्रेन में कुछ घुसता है वो तो आपका बर्बाद कर दिया गया, कर दिया कि नहीं? नहीं सर, मेरा तो नहीं हुआ, हुआ है भाई, मान लो मेरा भी हुआ है, क्योंकि हमने भी वही कुछ पढ़ा है जो तुम लोगों ने पढ़ा है। तो एक तो हमारा उस टाइम पे जो इंटेलेक्चुअल माइंड डेवलप होना था, हमारा जो रीजनिंग माइंड डेवलप होना था, जो हमारा डेवलपमेंट माइंड डेवलप होना था, वो हमारा जीरो कर दिया गया जानबूझ के। और आज भी वो पत्ती चल रही है, चेंज नहीं हुआ अभी कुछ भी, क्योंकि आजाद भारत हुआ लेकिन आज भी सिस्टम वही फॉलो हो रहे हैं। तो एक तो हमारे को क्या दिया उन्होंने, स्कूलिंग, हमारे गुरुकुल खत्म, क्या दे दी? दूसरा उन्होंने दे दी जुडिशरी। अच्छा एक बात बताओ, अगर पुराने टाइम पे आज से 300 साल पहले ये दो भाई बैठे हैं, इनका झगड़ा हो जाता था कि एक भाई ने प्रॉपर्टी कम दी, एक भाई ने ज्यादा ले ली, तो क्या करते ये दोनों? सरपंच के पास जाते, पंचायत के पास जाते, राजा के पास जाते, वो क्या करता?
इसकी सुनता उसकी सुनता, एक दिन सुनता दो दिन सुनता, फैसला सुना देता, फिर दोनों भाई वापस जफ्फी पा लेते क्योंकि अब तो फैसला हो गया ना। या राजा बोलते थे दे दे यार थोड़ा फालतू दे दे, इसको क्या फर्क पड़ता है, राजा की तो मानते थे लोग या राजा के मंत्रियों की मानते थे। आजकल क्या हो रहा है, ये दोनों भाई लड़ पड़े, इसने अलग वकील किया उसने अलग वकील किया, 12 साल हो गए प्रॉपर्टी का केस चल रहा है। अब 12 साल से दोनों भाई सोच क्या रहे हैं रोज कि कैसे साले को बर्बाद करूं और कोई नया सबूत ढूंढ के लाऊं और क्या ढूंढ के लाऊं और क्या ढूंढ के लाऊं, 12 साल से अब ये कर रहे हैं ये। तो ये कचरा कौन डाल के गया हमारे दिमाग में, कौन डाल के गया, अंग्रेज। क्यों, ताकि साले आपस में टूट के रहें, ये कभी भाई भाई एक ना हो सके, ये मियां। अच्छा एक बात बताओ, भारत में कभी तलाक शब्द था, आज भारत में 52 लाख तलाक के केस चल रहे हैं आज की डेट में, 52 लैक्स, 1,07,00,000 प्रॉपर्टी के केस चल रहे हैं कोर्ट में, 4.5 करोड़ केस है इस टाइम आज भारत में। आज कितने केस हैं, 4.5 करोड़ केस लंबित हैं। मुझे हैरानी पता क्या होती है कि 75 साल हो गए भारत की आजादी को, एक भी प्रधानमंत्री एक भी मंत्री कभी टीवी पे आके बोला हे भाइयों और बहनों कृपया अपने घर पे मसले खुद सुलटा लो, कोर्ट कचहरी का बोझ कम कर दो, एक हो जाओ आपस में प्यार बढ़ा लो, कोर्ट मत जाओ, कोई बोला? जबकि बोलना बनता है, कितना बोझ कम हो जाएगा कोर्ट का कचहरी का, हमारी कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है, कितना पेपर वेस्ट हो रहा है, कितनी हमारी सिस्टम खराब हो रहा है। तो दूसरा सिस्टम हमारे अंदर दरार डालने देखे गए अंग्रेज, क्या, जुडिशरी। तीसरा देखे गए हेल्थ केयर, नाम में क्या है, केयर, कहीं केयर दिख रही है, हाँ हेल्थ केयर शब्द है लेकिन हेल्थ हेल्थी को हेल्थ लूट है, केयर कहीं नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, एक बंदा मर जाएगा या एक बंदा स्वस्थ है उससे कुछ मिलेगा, एक बंदा मर गया अब क्या देगा और एक बंदा स्वस्थ ही है तो क्या देगा। तो सबसे पहले बीमार बनाओ, तो जितनी फूड इंडस्ट्री है, ये जितने चाउमीन कंपनियां हैं, जितनी मैगी बनती है, जितनी चॉकलेट्स आती हैं, आपको पता है वर्ल्ड की 70 कंपनियों की लिस्ट निकाली गई, कितनी, 70 कंपनियों की लिस्ट निकाली गई जो जंक फूड बनाती हैं, चॉकलेट्स बनाती हैं, टॉफियां बनाती हैं, गोलियां बनाती हैं, ये सब चीजें बनाती है, खाने पीने का सामान बनाती हैं। 70 कंपनियों में 32 कंपनियों के जो मालिक हैं या डायरेक्टर्स हैं या पार्टनर्स हैं वो लोग हैं जो फार्मा कंपनी के भी मालिक हैं। ये सब कुछ मेरे पास पीपीटी बनी पड़ी है, इवन की टाइम कम है क्योंकि मेरे को 2 घंटे लग जाएंगे, मैं आपको बकायदा कंपनियां मैच करा दूंगा कि मैकडी कंपनी, मैकडी जो आप खाते हो बर्गर, उस कंपनी में जो डायरेक्टर्स हैं उनमें 3 ऐसे डायरेक्टर हैं जो फार्मा कंपनी के भी मालिक हैं, KFC में 2 ऐसे डायरेक्टर हैं जो कि फार्मा कंपनी के भी मालिक हैं। क्या है ये बिजनेस बेसिकली, कर क्या रहे हैं ये, करना क्या चाह रहे हैं, पहले बीमार बनाओ फिर दवाई बेचो, पहले बीमार बनाओ फिर दवाई बेचो। अच्छा कोई एक भी, मैं आपको चैलेंज करता हूं सारों को, 1,00,000 रुपए प्राइस भी है, चलो 1,00,000 कम लगता है 2,00,000 कर देते हैं, कि आप कोई एक बीमारी का नाम बताओ जिसकी दवाई एलोपैथी में इन्वेंट हुई हो और ये बोलती हो जो कि ये इलाज है और वो पेपर पे हो, एक बीमारी का नाम बताओ, एक सिंगल। चलो सवाल बदल देते हैं, कोई एक दवाई का नाम बताओ जो किसी एक बीमारी को ठीक करती हो, कोई एक दवाई का नाम बताओ जो किसी एक बीमारी को ठीक करती हो, कोई है, चलो 10 दिन में सोच लेना, पर डे का 1,00,000 रुपए प्राइस बढ़ाते जाएंगे, है ही नहीं भाई। सोचो कितनी बड़ी फेक चीज, एक फेक सिस्टम, एक प्रोवा का पूरा प्रोपोगंडा जिसमें साली एक बीमारी का इलाज नहीं, एक भी दवाई किसी चीज को ठीक नहीं करती और पूरी दुनिया को राज कर रही है वो हम लोगों की बेवकूफी की वजह से, क्योंकि आयुर्वेद वाले चुप हैं, आयुर्वेद वाले ठुस हैं, फूस भर दिया आपके, क्यों, आपके कॉलेज में भी कोशिश करी गई आपके प्रोफेसर ने आपको नुल बनाने की, नील बटा सन्नाटा बनाने की, करते हैं वो ऐसे ही, हम पागल हैं साले जो दोबारा जगा रहे हैं तुम्हें, हम लगे हुए हैं। अच्छा बता दो तुम्हें कोई कॉलेज में तुम्हें किसी टीचर ने कितना को मोटिवेट करा होगा, तुम आयुर्वेद में फट्टे चकना, तुम आयुर्वेद में एक नया मुकाम लिखना, किसी ने साले लेक्चर भी दिया ऐसा, बताओ किसी ने दिया, निधि मैम आपके कॉलेज में दिया हो शायद, कोई आया हो क्रांतिकारी सा लेक्चरर आपके, ऐसे आते थे साल, खड़े तो हो जाओ ढंग से, खुद के पेट निक, मैं कम से कम 20 आपके अच्छे खासे बढ़िया बढ़िया जो अपने आप में कहते कवाते आपके कोई
विद्वान है, आयुर्वेद के वैद्य हैं बड़े बड़े, जिनका नाम है, जिनको ना आप लोग देखते मत्थे टेकने लग जाते हो, मैंने कई बार देखा है, ओहो मेरे गुरुजी साले का पेट यहाँ है, हिप्स पता नहीं कहाँ है, पता नहीं साले अपनी हेल्थ तो ठीक कर ले। अच्छा मैं उनको खाना खाते देखता हूं, इतनी बड़ी ग्रही मैंने नोटिस करा कि आयुर्वेद का है, शायद कुछ कमाल कर रहा होगा, इतनी बड़ी ग्रही खाना खा रहा है, सामने पानी पी रहा है, जबकि आयुर्वेद में क्या लिखा हुआ है भाई। तो सारा सिस्टम ऐसा ही चल रहा है, कॉलेजेस में तो खासतौर पर चल रहा है। तो फिर हमें लगा कि क्यों ना फिर हम ही कुछ करें भाई, तुमने तो कुछ करना नहीं। तो हमने शुरुआत करी थी ये कंपनी की। आप लोगों को लगता होगा ये संस्था चल रही है, दवाई बेचते हैं, ये कुछ भी नहीं है, ये तो आपको दिखता है, ये आपको सिर्फ नजर आता है कि संस्था चल रही है, दवाइयां जा रही हैं, हॉस्पिटल चल रहा है और बिजनेस आ रहा है। अंदर खाते जितने भी इस टाइम पे हिंदुस्तान में कोर्टों के केस चल रहे हैं, जो बीएमएस की तरफ से हो रहे हैं, जो आयुर्वेद की तरफ से हो रहे हैं, वो सब हम फंड कर रहे हैं भाई, आप लोगों को पता भी नहीं है। दो चार कोई डॉक्टर गीतिका को मालूम है, जैसे आपके लोगों के यहाँ एक डिग्री, आप लोग एक अल्ट्रासाउंड करते हो ना, अल्ट्रासाउंड आपके यहाँ भी है ना, उसका अल्ट्रासाउंड की एक एमडी है ना, आपको पता है अल्ट्रासाउंड की एमडी करने के बाद भी आप लोग मशीन नहीं खरीद सकते, पता नहीं ऐसा कितना कुछ है। ये एमबीबीएस एमबीबीएस लिखते हैं, ये बीएमबीएस है, इसका भी पूरा कोर्ट का पूरा चिट्ठा तैयार है। आपको पता है पहली बार महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने, बंबई हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर दिया कि जितने भी मास्क के चलान थे सबके पैसे घर जाके वापस करके आओ, ये हम लोगों ने कराया है। आधार पूना वाला को 10,000 करोड़ का नोटिस गया, वो हम लोगों ने करवाया है। आधार पूना वाला ने भी बदले में केस ठोका है, ऐसा नहीं है कि हम लोग को, ऐसा नहीं है कि आधार पूना वाला को ने बदले में कुछ नहीं किया, लगे हुए सब कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग अपना काम करते रहेंगे, क्योंकि हमें कोई ना कोई तो, ये हेल्थ इंश्योरेंस जो आयुर्वेद में आया आपको क्या लगता है यूं ही आ गया, 4 साल लग गए पूरे, आगे पीछे का जोर लग गया, अभी मैं रोज चिट्ठियां लिखनी पड़ती हैं, 3 बंदे बिठा रखे सिर्फ चिट्ठियां लिखने पे, 1.5 साल लगा, हरियाणा गवर्नमेंट की पॉलिसी आई है, अभी हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम आई है, ये जो राजस्थान की पॉलिसी है, विक्रम यहीं पे है, पूछो कम से कम भी 15 चक्कर लगे होंगे और कम से कम 50 जगह से सिफारिशें करी होंगी तो पॉलिसी आई है। लेकिन ये हमारे लिए नहीं हो रहा, ये भविष्य के आयुर्वेदाचार्यों के लिए हो रहा है, जो भविष्य में नए स्कॉलर्स आ रहे हैं, नई डिग्रियां लेके आएंगे। हम लोगों ने तो सिर्फ चिंगारी शुरू करी है, उसको आग आप लोग दोगे। अब यहां मोटिव क्या है कि हमें यह पता चल गया कि अंग्रेजों ने कचरा शुरू करा और अंग्रेजों ने यह सिस्टम बनाया, अब क्या किया जाए, अब हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है। आपको पता है अंग्रेजों ने 1862 में पहली बार एक भारतीय डॉक्टर की ड्यूटी लगाई थी, जिस डॉक्टर का क्या काम था कि इस देश में जो भी ये चूरन चटनी बेचते हैं, आपको चूरन चटनी नाम है उसमें, जो लिटरेचर है ना उसमें चूरन चटनी नाम है, मैं दे दूंगा आपको पढ़ लेना, उसमें लिखा था जो चूरन चटनी है ये बंद करना है हमें, इसको उन्होंने नाम दिया बाद में बाजार मेडिसिन। क्या नाम दिया? बाजार मेडिसिन। 1862 में एक कमेटी बनाई इन्होंने। मैं उससे पहले एक चीज क्लियर कर दूं फिर वो रह जाएगी। आपको पता है कि बेसिकली जब अंग्रेज भारत में आए ये मसालों का व्यापार करने, बाद में उन्होंने राज किया, ये करना क्या चाह रहे थे मालूम है कुछ? क्या करना चाह रहे थे ये? कुछ आइडिया है किसी को क्या करना चाह रहे थे वो? फिर क्या करा उन्होंने? इन्होंने कन्वर्जन स्टार्ट करा, हमें ईसाई बनाने की कोशिश करी। सबसे पहले क्या किया पता है उन्होंने ईसाई बनाने के लिए? उन्होंने 3 साल भारत में स्टडी करा कि कैसे इनको ईसाई बनाया जा सकता है, ये भी सब पेपर्स पे है। उन्होंने एक चीज देखी कि भारतीय मांस नहीं खाते थे, और अगर कोई मांस खिला दो तो इनके धर्म के खुद के गुरु इनको बाहर निकाल देते हैं, धर्म से बाहर हो गए तुम अशुद्ध हो गए, हमारे धर्म गुरु बेवकूफ थे उस टाइम पे, कई इनको बाहर निकाल दो तो अपने आप ईसाई बन जाते थे। तो क्या करते थे, सबसे पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा गोवा में। आपको पता है भारत कौन से सन में आजाद हुआ है? 1940। गोवा कब आजाद हुआ है? उसके भी लगभग 10-11 साल बाद। और किसके पास गुलाम था? ब्रिटिशर्स के पास नहीं था, वो पुर्तगालियों के पास था, तो ये पोर्चुगल बोलते थे इनको, उनके पास था ये हमारा गोवा। तो अब क्या किया इन्होंने, गोवा में पुर्तगालियों का राज था, इन्होंने क्या करा, हमारे कुओं में, हमारे तालाबों में और हमारी नदियों में जहां से हम पानी पीते थे, वहां पे ना रात को आगे हड्डियां फेंक जाते थे,
मास फेंक जाते थे। अब उसका पानी आप गलती से पी लेते थे क्योंकि आपको पता नहीं। अब एक गांव में कुआं है, 50 लोग पानी पीते थे, अब 50 लोगों ने पानी पी लिया, वो ओहो सबने मास पी लिया, तो पंडित जी ने क्या बोला, ओहो तुम अशुद्ध हो गए, हमारे धर्म से बाहर हो गए। अच्छा जब बाहर हो गए तो जाओगे कहां, वो अपने आप ही कौन बन गए, क्रिश्चियन बन गए। तो कुछ भारतीय उस टाइम पे गोवा वोवा छोड़ के केरल तमिलनाडु इधर भाग गए थे उस टाइम पे, तो अंग्रेजों का एक माइंडसेट आया कि भारतीयों को कन्वर्ट करना बड़ा आसान है, इनको मांस खिलाओ और कन्वर्ट करो। तो आप में से कौन बताएगा, सिर्फ हाथ उठाना बोलना मत, 1857 की क्रांति क्यों हुई थी, 1857 की क्रांति क्यों हुई थी? हां जी मैडम डॉक्टर अनुराधा, क्यों हुई थी 1857 की क्रांति, क्या था? गाय की चर्बी के, फिर क्या हुआ उससे, तो कारतूस कैसे यूज कर रहे थे? अच्छा मतलब पता है तुम्हें, उस टाइम पे जो कारतूस होते थे वो मुंह से छील के बंदूक में डालने पड़ते थे, जानबूझ के उन्होंने कारतूस में क्या डाल दिया, गाय की और सुअर की चर्बी, गाय की हिंदुओं के लिए, सुअर की मुस्लिम्स के लिए, ताकि कौन बन जाए, वो कन्वर्ट हो जाए क्रिश्चियनिज्म में। तो 1857 की क्रांति क्यों हुई थी, गाय, मंगल पांडे ने क्यों करी थी, कि गाय और सुअर की चर्बी उनको मुंह से चबाने को दी जाती थी, ठीक है। अब ये बात अंग्रेजों को बता दी कि इनको मांस खिलाओ, बदले में बड़े पैमाने पे कन्वर्जन कर लो। एक बात बताओ, आज आजादी को कितने साल हो गए, 75 ईयर्स हो गए, आज भी सारे कैप्सूल गाय और भैंस की चर्बी के क्यों है, सुअर की चर्बी के क्यों है, आज भी क्यों है कैप्सूल, कैप्सूल किससे बनते हैं, जो एलोपैथी में कैप्सूल है किससे बनते हैं, जिलेटिन, जिलेटिन क्या होता है, गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी। अच्छा इतने साल में तो चेंज हो सकता था, क्योंकि कंट्रोल कहां से हो रहा है, आज भी हमें इनडायरेक्टली क्या खिलाया जा रहा है, दवाइयों के माध्यम से। आपको पता है जो भी अभी पीछे थोड़े दिन पहले न्यूज आई होगी, हमने पढ़ा होगा कि घोड़े के मांस के अंदर एक अलग तरह का एक खुशबू होती है, जो ये मैकडी का बर्गर होता है, जो उसमें लेयर लगती है ना संतरी चटनी की, वो घोड़े के मांस से निकलता है, उसको कल्चर करके वो डेवलप करते हैं। तो क्यों खिलाते हैं आपको ये मांस फूस आज भी, क्योंकि उनका माइंडसेट क्या है, आज भी आप लोगों को इनडायरेक्टली अपनी तरफ लेके आना, ताकि आप शरीर से भारतीय रहो, अंदर से अंग्रेज बन जाओ, और बन भी गए हम, हमारे शादी। अच्छा एक बात बताओ, कौन से ग्रंथ में रात को मंत्र पढ़ने का विधान है, कौन से ग्रंथ में है, सारी शादियां रात को हो रही है ना आपकी, और फिर टिक भी नहीं रही, इसीलिए वो रात को 3-3 बजे फेरे करते हो, कोई दारू पी के बैठा होता है, कोई मुर्गा खा रहा होता है, और फिर वहां मंत्र चल रहे हैं अग्नि के सामने, अग्नि भी दूषित करते हो, खुद का भी बेड़ा गर्क करते हो। तो वो जानबूझ के आपको शारीरिक रूप से आप भारतीय हो, आप शरीर से भारतीय हो, मन से क्या हो चुके हो, कम कपड़े पहनने वाले को हम कल्चर्ड बोलते हैं, साड़ी पहनने वाले को हम गवार बोलते हैं। वो करना चाह रहे थे ना ये, कोई विदाउट स्लीव्स पहन के आए तो उसको हम एडवांस बोलते हैं, कोई थोड़े से ज्यादा बंद कपड़े पहन ले हो, कितना दकियानूस है ऐसा, मेरा बस चले मैं धोती कुर्ता पहनूं, वो साली बांधने में दिक्कत होती है मुझे, नहीं मैं इसलिए पजामा कुर्ता ठीक है मेरा। तो कहने का मतलब क्या है कि बेसिकली ये माइंडसेट कहां से आया, आज भी आप लोग भारतीय नहीं हो, सिर्फ शरीर से हो। आप लोग क्या कर रहे हो, डॉक्टर कौन से हो आप, और टर्म्स कौन सी याद है सारी आपको, टर्म्स कौन सी याद करते हो, एलोपैथी, ये करना है क्या, प्लानिंग किसकी है, क्यों आपकी 5 साल की डिग्री के बाद आपको इंटर्नशिप कराई जाती है। अच्छा फिर राइट नहीं है आपके पास एलोपैथी प्रैक्टिस करने का, फिर कराते क्यों इंटर्नशिप वहां पे भाई, तुम लोग भी लुल्लो और बनाने वाले तुम्हारे महान है, वो तुम्हें बनाते हैं और तुम बनते हो। कहने का मतलब सिर्फ यह है कि आज तुम लोगों को नहीं पता, यू ऑल आर कंट्रोल्ड बाय मेडिकल माफिया। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी 70-80% आयुर्वेदिक डॉक्टर्स प्रैक्टिस कहां करते हैं, एलोपैथी हॉस्पिटल्स में, और नीमा के मेंबर बनके बड़े खुश होते हैं। नीमा का पर्पस क्या है, नीमा संगठन बना क्यों हुआ है, सिर्फ हमें एलोपैथी प्रैक्टिस करने का अधिकार मिले। अच्छा एलोपैथी प्रैक्टिस में सिर्फ डायग्नोसिस के अलावा छोड़ देते हैं
और डायग्नोसिस में भी कोई डायग्नोसिस तो आपने देख ही लिया गड़बड़ घोटाला है डायग्नोसिस को। अच्छा एक काम करते हैं, अभी मैं शुगर वाली मशीन मंगाता हूं, अभी मैं शुगर चेक करने की मशीन मंगाता हूं, मेरी पांचों उंगलियों से सैंपल दूंगा, पांचों की रिपोर्ट अलग आएगी, शर्त लगाते हैं चलो कौन सी सही होगी, कौन सी उंगली सही होनी चाहिए जो ऐसे करते हैं। मैंने इसलिए पूरी नहीं करी ना, कैमरे में भी है। मतलब कहने का क्या है, आप लोग करके आ रहे हो सोचो तो सही, अगर पांच उंगलियों के सैंपल पांचों की रिपोर्ट डिफरेंट तो भैया सही कौन सा। तो आप लोग बदलो, समझो कि यू आर अ पपेट ऑफ मेडिकल माफिया, जो रोज एक नई बीमारी आती है आप गूगल पर ढूंढने लग जाते हो। अभी भी बहुत सारी बीमारियों के नाम जो पहली बार सुनते हो ढूंढते कहां उसको गूगल पे। अब जब पहली बार नाम सुनोगा ITP, अच्छा कौन बताएगा ITP, ITP कौन बताएगा ITP? अरे मैंने हाथ खड़ा करने को बोला ना, मेरे पास आपके लिफाफे हैं, सारे बोल दो, मैं लिफाफा किसको पकड़ाऊंगा फिर। अरे नाम क्या है, कहना क्या चाहते हो, इडियोपैथिक पर पूरा क्यों बोलते हैं इडियोपैथिक, नाम ही उसका क्या है, इडियोपैथिक मतलब कोई कॉज नहीं पता उसका, ठीक है। कहने का मतलब ऐसे ही, जब आपने पहली बार सुना होगा OCD, तब IBS कभी तो सुना होगा ना, एक नाम आया था टेनिस एल्बो। आप लोग भी वातपित्त कब भूल चुके हो, जीभ याद नहीं है आपको, आंखें याद नहीं है, चेहरा याद नहीं है, नाड़ी मुड़ी आती है आती नहीं आती नहीं आती पता नहीं, लेकिन कौन सी टर्मोलॉजी याद करते हो, जबकि आपको कैसे देखना सिखाया गया था, सिर्फ वात पित्त और कफ के अकॉर्डिंग, लेकिन आप क्या करने लग गए। तो हमें भी कंट्रोल कौन कर रहा है, मेडिकल माफिया, और निकलेगा कौन चंगुल से। अब तरीका क्या है निकलने का, अब कैसे हम कुछ करें, तो मेरे कई सेशंस में मैं बोलता रहता हूं, ये बताओ हम जो हम हैं, भगवान ने हमारे बारे में क्या क्या कहा है, भगवान ने हमारे बारे में क्या क्या कहा है, अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग स्क्रिप्चर्स में, गीता में, रामायण में क्या क्या कहा है, वेदों में क्या कहा है, बताया कोई बताएगा हमारे बारे में, इंसान के बारे में भगवान ने क्या कहा है कि कौन है इंसान। हाँ भगवत गीता में क्या कहा है, हाँ इंसान ही भगवान है, और भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि ये जो इंसान है मेरी ही संतान है, मतलब मेरा ही बच्चा है, मेरा ही बीज है, मेरा ही अंश है। सामवेद में भगवान ने क्या कहा है कि जब मैंने दुनिया बनाई तो मैंने मेरी कॉपी बनाई, मैंने मेरे जैसी कृति तैयार करी, यानी कि क्या तैयार किया, इंसान, यानी कि भगवान जैसे कौन हुए, हम कौन हुए, भगवान के जैसे। ऋग्वेद में भगवान ने क्या बोला कि जब मैंने दुनिया बनाई, पहाड़ बनाए, नदियां बनाई, जीव जंतु बनाए, तो मैंने इंसान भी बनाया, तो मेरी जो बेस्ट क्रिएशन थी, बेस्ट वो कौन थी, इंसान। तो भगवान ने हमें तीन जगह इशारा करा, सामवेद में, ऋग्वेद में, भगवत गीता में, गुरु ग्रंथ साहब में भी आइए कि भगवान ने हमें बेस्ट बताया, क्रिएशन बताया। तो फिर हमें क्या बता दिया भगवान ने, हम सब कौन है, हम सब कौन है भगवान, यानी कि आप सब कौन हुए, ये टाई कोट वाला भगवान, वो लाल दुपट्टे वाली भगवान, वो गुलाबी साड़ी में भगवान, ये पीली साड़ी में भगवान, ये टी शर्ट वाले भगवान, है ना, बस टिक्का लगाने की देर है, तेरे को तो जन्माष्टमी में बिठा सकते हैं, है ना, ऐसे ही कपड़े पहनते हैं कृष्ण भगवान। कहने का मतलब अब हमारे पास सॉल्यूशन क्या है कि हम थोड़ा सा स्क्रिप्चर्स में से समझ लें अपने बारे में। तो हमें क्या बताया भगवान ने, हम स्वयं, अगर हम भगवान हैं तो हमें शक्तियां भी होंगी फिर, हां जी, अगर हम भगवान हैं तो भगवान वाली, अच्छा कैसी कैसी शक्तियां होनी चाहिए तो हम भगवान मानेंगे अपने आप को, उड़ के दिखाएं, उड़ के दिखेंगे तो ही भगवान है, हां जी, अगर हम भगवान हैं तो कैसी शक्तियां होंगी तो आप अपने आप को मानोगे भगवान है। अरे बात कर लो यार मेरे साथ, मेरा भी टाइम हो जाएगा, मुझे भी मैसेज आ जाएगा सर टाइम हो गया, यामिनी से डर लगता है भाई यहां पे हमें, यहां की मालकिन यामिनी है, हाँ जी, जब लखनऊ जाते हैं तो अभिषेक जी से डर लगता है, मैं तो मुल्तान नगर जाता ही नहीं, डॉक्टर निधि बैठी होती है, मैं कहता हूँ भाई दूर चलो, क्योंकि आप लोग उस इलाके को पूरा
संभाल के बैठे होंगे, कहते हैं आपका इलाका डिस्टर्ब नहीं करना। हाँ जी बताओ जल्दी फटाफट फटाफट, थोड़ा फास्ट चलते हैं क्योंकि टाइम कम है ना। बोलो बोलो जल्दी, कैसी शक्तियां प्रूव करें तो हम भगवान कहलाएंगे। अच्छा मेडिकल साइंस नाभि को मानती है, धर्म के विज्ञान को नाभि को मानती है, हाँ आयुर्वेद मानता है, मेडिकल साइंस मानती है। अच्छा आत्मा के विज्ञान को मानती है, आत्मा के विज्ञान को मानती है। अभी वो आज डॉक्टर साहब बोल के गए वायरस ही नहीं कल्चर कर पाए आज तक, वो सेपरेट कर पाए, और आज तक वायरोलॉजी पूरी छाप रखी है उन्होंने पूरी, डॉक्टर साहब की सुनी होगी आपने। तो कितना बड़ा फेक सिस्टम चल रहा है ये तो पता लग गया। अच्छा ये क्लियर है कि अभी तक कुछ आइडिया लगा हम भगवान है कि नहीं, अभी तक नहीं लगा। अच्छा चलो एक काम करते हैं, 4 मिनट के लिए आंखें झपकना रोक के दिखाओ, 4 मिनट के लिए आंखें झपकना रोक के दिखाओ, 1,00,000 रुपए प्राइस। चलो कौन शुरू करेगा, हाथ उठाओ, मैं 4 मिनट रोक के दिखाऊंगा। हाँ चलो 5 मिनट के लिए सांस रोक के दिखाओ, 5 मिनट के लिए सांस रोकनी है, 10,00,000 रुपए इनाम। चलो 5 मिनट के लिए दिल की धड़कन रोको, खत्म करते हैं कहानी, 1,00,000 रुपए प्राइस। 5 मिनट के लिए दिल की धड़कन रोको, 1,00,000 रुपए प्राइस। आप कहते हो पैसे कमाने का मौका नहीं मिलता, मैं दे रहा हूं, पहले चेक साइन कर देता हूं भाई, आपके पीछे वाले कोई मिलेगा, आप तो होएगी नहीं, आपको तो मिलना मलाना है, पीछे वाले को मिलेगा ना, किसी का तो भला करके जाओ। वो कई बार कोई लड़की मना कर देती है, बंदा कहता ना यार मर जाएगी साली, किसी का भला नहीं करेगी। कई बार कोई प्रपोज करता है ऐसे ही डायलॉग मारते ना, ये कहानी कहां से आई थी पता है? एक मुर्गा एक मुर्गी के पीछे भाग रहा था, तो भागते 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 वो सड़क पार कर गई, तो ऊपर से बस आई वो गिर गई, तो मुर्गे ने बोला मर गई साली किसी के काम नहीं आई। तो मेरे को यही लगा मैं क्या शायद। तो ऐसे ही हम लोगों की बॉडी में आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, सिर्फ हाथ पैर हिला लो, ना दिल की धड़कन आपके कंट्रोल में, ना आपकी आंखें आपके कंट्रोल में, ना आपका सांस आपके कंट्रोल में है। कंट्रोल में है क्या आपके? अच्छा आपके कंट्रोल में है क्या कि मेरा बच्चा डिजाइनर बेबी ऐसा निकले, उसकी नाक ऐसी हो, करीना कपूर जैसी नाक हो, सैफ अली खान जैसी नाक हो, या फिर नहीं तो सैफ अली खान की बहन जैसी हो? कभी सोच सकते हो आप? आप बोलते सैफ अली खान की बहन एक ही चीज से दुखी है, अपनी नाक से, तो वैसी कोई चाहेगा? लेकिन वो क्यों ऐसी आई? क्योंकि शर्मिला टैगोर की थी, थोड़ी सी पटौती की थी, मिल मला के लंबी हो गई। कहने का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी में एक बीज आता है जो नजर भी नहीं आता, और 9 महीने बाद एक बेबी सांस लेता हुआ बाहर आता है। अभी भी शक है तुम भगवान नहीं हो यार? चलो तुम नहीं हो तो ये लड़कियां तो है ही, कम से कम लेडीज तो है ही, इनके लिए तो तालियां बजा दो। बंदे तो नहीं है, बंदे तो नहीं निकले, क्योंकि तुम तो कुछ कर नहीं सकते, अब तो तुम्हारी जरूरत भी नहीं है, बीज भी तुमसे नहीं चाहिए उनको, वो भी मिल जाता है आजकल मार्केट से। और अभी थोड़े दिन पहले इंग्लैंड में केस हुआ, पता होगा शायद आपको, 9,000 करोड़ का जुर्माना हुआ है, 9,000 करोड़ का जुर्माना फाइल हुआ है इंग्लैंड में एक IVF सेंटर में। उन्होंने 30 साल की एक पार्टी रखी, 30 साल बाद उन्होंने अपने आज तक के सारे क्लाइंट्स बुला लिए, वहां पे 68 बच्चों की शक्ल मिल रही थी। तो एक जर्नलिस्ट था, उसने फोटोवे फाटवे खींची, उनके नाम नंबर लिए और जाके जांच पड़ताल करी, और बाद में कोर्ट में केस ठोका, 9,000 करोड़ का जुर्माने का केस कर रखा है उसने, कि साले इसने बिना बताए किसी के किसी को दे रखे हैं। अभी इंडिया में भी थोड़े दिन में होने वाला, चेक कर लेना, जो इंडिया में लोग घूमते हैं मेरा बेबी मेरा बाबू चूमते रहते, वो आधे उनके नहीं है, देखते रहना उनके नहीं है वो। तो कई बार बच्चा खड़ा होता है ना और बोलते हैं कि अरे देखो कैसे पापा की तरह खड़ा है, दादी बोलती है नानी बोलती है, अगर पड़ोसी की तरह खड़ा होगा ना घर में क्लेश भी हो जाता है, तो खड़ा तो पापा की तरह तो अच्छी बात है भाई। अब जैसे मेरे घर में डायलॉग आता है, सुनो ये तो तुम पे गया, मैं भी खुश होता हूँ, हाँ ठीक है ओके जाओ, तो अच्छी बात है भाई, क्योंकि और कहीं और चला जाएगा तो फिर मैं भी कहाँ जाऊंगा। ये क्वेश्चन मार्क हमेशा पुरुषों के लिए है, क्योंकि महिलाओं से तो आता तो उन्हीं का तो है ही मेन पंगा, तो इसलिए तुम्हारे कोई हाथ उत में है नहीं है भाई, पुरुष भगवान पुरुष प्रधान सोचते हो कुछ नहीं है तुम्हारे पल्ले, तुम एक बच्चा तो पैदा कर नहीं सकते आज की डेट में। तो इसलिए महिलाओं की इज्जत किया करो, इसीलिए हमारी कंपनी में फीमेल डॉक्टर्स ज्यादा हैं और फीमेल्स का वर्चस्व है। आप चेक करोगे ना, शुरू से डॉक्टर गीतिका ने गद्दी हथियार रखी है, देखो आज तक कोई दूसरा नेड़े तेड़ नहीं आ सकता।
तो अब हम बात कर रहे थे कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन क्या था कि हमारी बॉडी भगवान की पावर्स रखती है, तो हमारी बॉडी में सारी वो पावर्स हैं जो भगवान के पास हैं, तो हीलिंग पावर भी होगी। तो हम अपने हॉस्पिटल्स में क्या करते हैं या आप क्लिनिक्स में क्या करते हो, जो प्लेट वन प्लेट टू डाइट देते हो या सूरज डूबने के बाद जो खाना हटा देते हो, ये बॉडी अपने सेल्फ मैकेनिज्म पे अपने आप आ जाती है। आप अगर कहो ना तो मैं सैकड़ों पेशेंट की लिस्ट दे सकता हूं आपको, जो 1 रुपए की दवाई के बिना भी उनके हार्ट में छेद, किडनी, लीवर, वो सब नॉर्मल हुए हैं 1 रुपए की दवाई के बिना भी। तो ये मत सोचना कि अगर आपको दवाई देना आता है तो वो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, दवाई के फायदे हैं, जड़ी बूटियों के फायदे हैं, लेकिन घमंड नहीं करना। कई बार हम ओवर हो जाते हैं ना कि मैं ही सब कुछ, तो नहीं करना। बिना दवाई के भी दुनिया आज की डेट में विदाउट मेडिसिन रिवर्सल के प्लान्स ला रही है। आप देखो गूगल पे रोज एक नई कंपनी लॉन्च हो रही है। अभी हमारे बीच में भी एक मैडम बैठी है, मिलवाता हूं मैं आपको, उन्होंने भी पूरा एक कोर्स लॉन्च किया है, अभी दुबई में हम शुरू करने जा रहे हैं। तो डॉक्टर ऋचा एक बार हाथ हिला दो जरा खड़े होके। डॉक्टर ऋचा नेचुरोपैथिस्ट हैं, इन्होंने एक पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया है, डिजीज रिवर्सल प्रोग्राम विदाउट पिल। तो ये मार्केट में ये चीजें विदाउट पिल मींस कोई दवाई नहीं, लेकिन हर्ब्स यूज करते हैं, ये कड़ी पत्ता, हल्दी, गिलोय सब यूज करते हैं, लेकिन हमें भी टाइम के साथ बदलना पड़ेगा, हम लोगों को भी वक्त के साथ बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ये समझो कि बॉडी कौन है, भगवान। आप लोगों ने कई बार एग्जाम्पल सुना, मैं कई बार अपने वीडियोज में बोलता रहता हूं कि हमारी बॉडी जो करती है स्वयं करती है। आपकी बॉडी में इंटेलिजेंट पार्ट कौन सा है सबसे ज्यादा? हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट पार्ट कौन सा है? हाँ, हमारी बॉडी में सबसे इंटेलिजेंट क्या चीज है? हाँ हाँ ब्रेन, ब्रेन वाले ज्यादा, ब्रेन की आवाज ज्यादा है ना, ठीक है। और एक दो लोगों ने कुछ और नाम भी लिया, एक दो लोगों ने गट बोला, तो गट को हमारा सेकंड ब्रेन बोलते हैं सर, फर्स्ट तो ब्रेन उसी को बोलते हैं ना, लेकिन एक्चुअल में पावरफुल कौन है? मैं कई बार एग्जांपल देता हूं, दोबारा दे रहा हूं जानबूझ के, क्योंकि आप लोगों को अभी कंसेप्ट जो क्लियर किया, जो मैंने अभी बात शुरू करी वो पूरी खत्म हो जाए, ताकि आप लोगों को पता लग जाए पेशेंट ठीक कैसे होगा जल्दी से जल्दी। और अभी हमने पीछे 4-5 पेशेंट भी बुलाए हैं जो ऑलरेडी हमारे हॉस्पिटल में इस टाइम एडमिट है, और आप लोगों से मिलवाने के लिए बुलाया, ताकि आप लोगों को खुद तसल्ली हो जाए कि किस तरह के पेशेंट भी यहाँ पे आके रिकवर हो रहे हैं, एक कॉन्फिडेंस आपको भी आ जाएगा, ताकि आप इजीली पेशेंट को हॉस्पिटल भेज सको। अभी आप लोग कई बार डरते हो कि पेशेंट हॉस्पिटल जाएगा, वहां क्या करते हैं, तो अभी पेशेंट से मिलवा भी रहा हूं, अभी पीछे हमारे पेशेंट आके बैठ गए हैं। तो हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, मैंने पहले भी कई बार बताया एग्जाम्पल के तौर पे, कई लोग मानते हैं दिमाग इंटेलिजेंट है हमारा। हम शादियों में जाते हैं, खूब खाते हैं, खूब खाते हैं, खूब खाते हैं, खूब खाते हैं, मतलब यहां तक भर लेते हैं, 8, 8:15, 8:30, 9, 9 बजे लगे रहते हैं हम, 11 बजे तक लगे रहते हैं, कई बार 12 बजे तक भी लगे रहते हैं, कई बार कॉफी भी बीच में, दूध भी बीच में, आइसक्रीम भी बीच में, पान भी बीच में, तिल्ले वाली कुल्फी, फलाना ढिमकाना सब खाते हैं। अच्छा, सुबह उठ के मैं लोगों को कैसे समझा जाता हूँ, आपको भी समझना पड़ेगा, ये आप लोगों के काम की बात है जो आप बोलने लगा हूं। तो सुबह उठ के लोगों को पोटियां लग जाती हैं, अब वो चले जाते हैं 100 करोड़ बड़े डॉक्टर के पास, वो क्या बोलता है? फूड पॉइजनिंग और डायरिया और इन्फेक्शन और लूज मोशन और पेट खराब हो गया, क्या बोलता है? गोली ले लो या ग्लूकोज चढ़वा लो, स्लाइन वाटर चढ़वा लो, यही होता है। क्यों भाई, हीरे मोती निकल रहे थे? निकल रहे थे क्या, जो रोकने की जरूरत थी उसको? अच्छा, चला जाए वो आपके पास, छोटे डॉक्टर, एस एस कॉल्ड छोटे डॉक्टर, आप जैसे हम सारे, तो आपके पास चला था, आप क्या बोलते हो? आप क्या बोलते हो, क्या बोलना चाहिए, क्या बोलते हो? बॉडी सियानी है, कल गंद खाया है, निकल रहा है उसको निकलने दो। सिचुएशन एक ही थी कि आपने खाया, पोटियां लगी, एक ही सिचुएशन में दो डॉक्टर हैं, एक मॉडर्न पैथी और एक यूरोपैथी, दोनों ने डिफरेंस क्या दिया? एक ने क्या बताया? एक ने क्या बताया? डायरिया, लूज मोशन, फूड पॉइजनिंग, पेट खराब। दूसरे ने क्या बोला? बॉडी इंटेलिजेंट है, जो हो रहा है उसको होने दो। तो एक ही सिचुएशन में दोनों डॉक्टरों ने देखने का नजरिया है ना, ये पेशेंट को समझाना है। अगर ऐसी सिचुएशन में उल्टियां लग जाती, वो क्या बोलते? सेम वही, फूड पॉइजनिंग, वॉमिट्स हो गई, वोमी टैब ले ले, रोकने की गोली खा ले, जैसे हीरे की अंगूठी निकल के निकालनी तो नहीं थी, वो हीरे की अंगूठी ना निकल जाए तेरी अंदर से बाहर। और आपने क्या बोला? बॉडी सियानी है, जो कर रही है उसको कर
करने दो, लेकिन अब आप लोग भी ये गलती करते हो जो आप गलती करते हो। अब पेशेंट अगला सवाल डालता है, कमजोरी आ रही है डॉक्टर साहब, अब क्या बोलोगे आप, वीकनेस फील हो रही है, क्या करोगे? आप लोग भी और अस्पताल लग गए हो आजकल, आप लोग बोलते हो नमक पानी का चीनी का घोल पी लो, क्योंकि टीवी पे इतने साल सुन सुन के आपका दिमाग भी खराब हो गया। क्या कहना चाहिए था आपको उस टाइम पे? भैया बॉडी अगर वीकनेस लग रही है थोड़ी देर जाके सो जा, रेस्ट कर ले। अच्छा एक बात सुनो, कितनी पोटी आ जाएगी? चलो 6 बार आ चुकी है, जब साला कुछ है ही नहीं तो आएगा क्यों? अंदर से किडनी गिरने वाली है क्या बार, या आंत निकल के गिर जाएगी, या हाथ में पैनक्रियाटिस आ जाएगा? बताओ, पेशेंट को समझाओ ना, क्या ज्यादा तकलीफ है, लाल चट्टी पहन ले रुक जाएगी। हमारे एक डॉक्टर ने बोला था एक दिन पेशेंट को, एक बार फोन आया कॉल सेंटर में, हमारे पेशेंट ने बोला बहुत ज्यादा आ रही है, कहता कोई बात नहीं लाल चट्टी पहन लो। मैंने वो रिकॉर्डिंग सुनी थी बाद में, मैं कहा वाह आइडिया तो अच्छा है, साली ट्रेन रुक सकती है, ये क्या चीज है, रुक तो सकती है, तो मॉडर्न पैथी भी तो ऐसी चल रही है ना, ट्रायल एंड एरर। क्या आप लाल चट्टी पहन के रुक जाए तो अगली बार पूरे दुनिया में फैलाएगा, लाल चट्टी पहनने से रुक जाती है भाई। तो कहने का मतलब क्या है, हमें क्या बोलना था कि बॉडी सियानी है। और आपको पूछा उसने कमजोरी आ गई, आप क्या बोलते हो, ग्लूकोज लगवा लो। अच्छा मेरे को कई बार पता चलता है आप में से भी कोई पहुंचा होता है ग्लूकोज लगवाने के लिए, मैं आप ही लोगों में बैठे हैं इस टाइम, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, आप ही लोग पहुंचे होते हो एक बार, सर वो ड्रिप लगवाई थी बड़ी वीकनेस हो गई थी। अरे बॉडी में कुछ भी चढ़ाओगे, बॉडी में कुछ भी डालोगे, बॉडी तो फॉरेन पार्टिकल की तरह लेगी ना उसको। बॉडी की सयानत को खराब क्यों कर रहे हो, बॉडी की इंटेलिजेंस क्या थी, बॉडी भगवान है ना, बॉडी की इंटेलिजेंस है कि बॉडी ने कचरा निकालना है। अच्छा आप क्या करोगे, कुछ खा लो, दही ले लो, इस सब गोल डाल के थोड़ी खिचड़ी बना देती हूँ, बॉडी फिर निकाल देगी। और थोड़ी देर टिक जाओ यार, 2-4 घंटे रेस्ट कर लो, थोड़ी देर थोड़ा सा खा लेना। और तुम्हें आज ही क्या साली कुरुक्षेत्र की महाभारत की जंग लड़ने आज ही जाना है क्या? एक दिन ना जाओ, ऑफिस की छुट्टी मार लो। हम गलतियां करते हैं जिसका भुगतान फिर बाद में बॉडी अलग तरह का रिस्पॉन्स देती है। ऐसे ही आपको बुखार चढ़ता है, आप क्या करते हो, आप में से भी कई करते हैं, पैरासिटामोल कालकोल डोलो खा लेते हो कि नहीं? जबकि बुखार क्या, बॉडी का टूल है, बॉडी का एक हथियार है अपने अंदर के गंदे पित्त को फूकने का, या अपने अंदर कोई पैथोजन आया उससे लड़कर उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने का। तो हमें बॉडी के सिम्टम्स को मित्र मानना है। आयुर्वेद में आप ही के लिखा हुआ ना, फोड़ा फुंसी उल्टी दस्त जुकाम और बुखार क्या है, मित्र है। फिर आप थ्योरी क्यों भूल जाते हो अपनी, तो बोलो ना पेशेंट को कि आयुर्वेद तो निकालता ही वमन से है, विरेचन से है, यही तो हमारा विज्ञान है। आयुर्वेद का सूत्र क्या है, ये रट लो, लिख लो, आपको कॉपी दी है ना, एक श्लोक लिख लो, ये सारे पेशेंट को गाया करो, ये श्लोक रट लो रट लो रट लो, ये श्लोक आपकी जिंदगी बदल देगा। मेरी तो बदल दी, आपकी भी बदल देगा। 2-3 लिखवा देता हूं, अब एक पेन कॉपी लिखवा ही लिया दो, एक लिख लो, सर्वेशाणाम रोगाणाम निदानम कुपितामला। ये एक सूत्र से सारी कंपनी खड़ी हो गई हमारी, आपको पता है ये बात, ये सूत्र से कंपनी खड़ी हो गई पूरी, आईपीओ भी लिस्ट हो गया, हॉस्पिटल भी खुल गए एक सूत्र से। तो तुम्हारी नहीं खुल सकते कुछ भी, क्या सिर्फ कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्या कंसेप्ट है कि आयुर्वेद क्या कह रहा है कि कोई भी बीमारी सर्व रोग उनका इलाज क्या है, एकमात्र कुपित मल, टॉक्सिन्स वेस्ट गंदगी, अंदर के पड़े हुए मल, गंदे विचार गंदे भाव सब निकाल दो। क्या है, सर्वेशाणाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला, क्लियर? अब दूसरा लिख लो, शुद्धो देहा मनुष्य यस्य सजीति वर्षतम, शुद्धो देहा मनुष्य यस्य सजीति वर्षतम, कि शुद्ध देह वाला मनुष्य 100 वर्ष तक स्वस्थ सुखी जीता है। ये कंसेप्ट रट लो बस, सारा बीमारियों का एक ही कंसेप्ट है, शुद्धि क्लीनिंग। और मेरी जो पहली बुक आ रही है उसका नाम भी शुद्धि है, मैं कोई नया नाम नहीं रख रहा हूं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही शुद्धि है। लेकिन वो शुद्धि खाली बॉडी की नहीं करेगी, वो शुद्धि दिमाग की भी करेगी, हमारे देश के करप्शन की भी करेगी,
हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की भी करेगी और हमारे देश के अंदर जो ये मेडिकल माफिया का खेल चल रहा है उसकी भी शुद्धि करनी जरूरी है। मियां बीवी के रिश्तों में भी शुद्धि जरूरी है। जहां पति साइड हुआ उसकी बुराई शुरू, जहां बीवी साइड हुई उसकी बुराई शुरू। मैं भी करता हूं, लेकिन आपको क्या पता घर जाते पहले मत्था टेकता हूं भाई मैंने आज ये तीन लाइनें बोली थी सॉरी, तो वो चेंज से एक बोलना पड़ता है, जरूरी है ना, वरना आप लोगों को मैं बोलता हूं कोई किसी दिक्कत तो काम आ रही है ना कम से कम, ऐसे ही सही, शादी कहीं तो काम आ रही है, एग्जांपल देने की काम आ रही है। चलो बच्चे तो पैदा हो गए, अब बिटिया मेरी 21 साल की है, बेटा मेरा 16 साल का है, बाकी जगह तो कब काम लूं ना, अब तो बाकी तो फैमिली तो कंप्लीट हो गई। अभी एक वीडियो कल आई थी, कहोगे तो ग्रुप में डाल दूंगा, वो एक यूसीसी आने वाला ना भारत में, यूसीसी, तो यूसीसी में सवाल पूछ रहे थे वो, कई खड़े थे उनसे पूछ रहे थे, हाँ जी, वो कह रहे थे ये तो अल्लाह की देन है, हम नहीं एक भी बच्चा रोकेंगे, हम तो लगे रहेंगे, हमें तो चार बीवियों से भी करना ही है, हर साल पैदा करेंगे हम, कोई बात नहीं, खैर चलो कानून आने दे तो फिर देखते हैं। हाँ जी, अभी मुद्दे पे वापिस आए, तो शुद्धो देहा मनुष्य यस्य सजीति वर्षतम, पहला क्या था, सर्वेशाणाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला। अब एक ये दो हो गए आपके श्लोक जो हर कस्टमर को के ऊपर काम करेंगे, 100% बीमारियों में ये दो श्लोक काम करेंगे, कोई भी बीमारी हो दुनिया की, वजन बढ़ाना है, वजन घटाना है, शुगर है, बीपी है, जोड़ों का दर्द है, लीवर खराब है, किडनी खराब है, हार्ट की प्रॉब्लम है, दोनों श्लोक काम करेंगे, ये रट लो आप, हर पेशेंट से बात करते रहे ये दोनों श्लोक बोला करो उसको, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो व्हाई वी आर डूइंग दिस। अब शुद्धि का मतलब खाली पेट की शुद्धि नहीं है, खाली वो कोलोन शुद्धि नहीं है, खाली वो रेक्टम क्लीनिंग नहीं है, खाली वो पॉटी निकालना नहीं है, शुद्धि का मतलब पूरी बॉडी के अंदर के सिस्टम की, मेरे अंदर के लिम्फैटिक सिस्टम की, मेरे मेटाबॉलिज्म की, मेरे लीवर की, मेरी किडनी की, मेरे हार्ट की, मेरे ब्रेन की, मेरी आंखों की, मेरे हर जगह की शुद्धि एक पर्पस है। अच्छा एक बात कहो, आप दिन में 4, 5, 6, 7 बार खाते हो और जाते कितनी बार हो, खाते 7-8 बार हो, जाते कितनी बार हो, अच्छा किस दिन 4 आ जाए तो क्या हो जाता है, टेंशन हो जाती है आप लोगों को, किस दिन 6 आ जाए तो डॉक्टर के पास पहुंच जाते हो। एक गोली खरीदी थी बहुत साल पहले हमारे किसी डॉक्टर मैडम के हस्बैंड ने, नाम भी रहा उसका रोको, गोली का नाम ही आ गया रोको, पहली बार मुझे उस दिन गोली का नाम पता चला था, बाई चांस किसी के रोकने थे तो वो हीरे मोती निकल रहे थे ना, तो गोली का नाम भी क्या था, गोवा में खरीदी थी शायद, पता नहीं। हाँ, तो कंसेप्ट क्या है कि हमारी बॉडी इतनी पावर्स के साथ आई हुई है भगवान की तरफ से, खुद भगवान है, तो किसी भी बीमारी के लिए अगर आपको कोई भी बीमारी ठीक करनी है तो सिर्फ सबसे पहले सूरज डूबने के बाद खाना बंद करवा दो, तीन लाइनें बोलूंगा मैं, सूरज डूबने के बाद खाना बंद करवा दो, नंबर दो प्लेट 1 प्लेट 2 और उपवास। आयुर्वेद क्या कहता है, लंघन, जानवर जब बीमार पड़ते हैं क्या करते हैं, लेकिन इंसान जब बीमार पड़ते हैं तो हमारे को भी फोन आता है, मोटा आदमी है, सवाल क्या पूछता है, सर वजन घटाना है खाए क्या, सर उपवास शुरू हो रहे खाए क्या, सवाल ही गलत है साला भाई, घटाना वजन है पूछ क्या रहा है, मतलब सवाल ही कोई हम गलत पूछते हैं कई बार।